Hello students, welcome to maths class. I am Anpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 7, Understanding Fractions. In previous video, I had explained you exercise 7.6. In today's video, I am going to explain you question 1 and 2 of exercise 7.7. So let's start. Your question is, add the following and reduce to lowest term. So, हमारे पास क्वेश्चन तो सेम है जैसा हमने 7.6 में किया था, ऐड करना है और रिड्यूस करना है. बट दिस टाइम इसमें जो हमें फ्रैक्शंस दे रखी हैं वो डिफरेंट है. जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था बेटे, ऐड और सब्ट्रैक्शन वो हमारी लाइक फ्रैक्शंस थी, मींस डिनोमिनेटर सेम होते थे उनके. बट दिस टाइम आप अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 और यहाँ पर 6 दे रखा है, मींस डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई? अनलाइक. तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम सीधा प्लस नहीं कर सकते, ठीक है? इसके लिए हमें पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. सो आप एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लोगे, यू विल राइट एलसीएम ऑफ 3 and 6. सो एलसीएम मैंने आपको सिखाया था हम कैसे लेते हैं, 3 and 6 लिखना है आपको लाइक दिस. फिर आपको चेक करना है 3 और 6 दोनों कौन सी कॉमन टेबल में आते हैं, ठीक है? स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं. सो 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 6 आता है. नेक्स्ट अगर हम 3 पर जाएं, 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है. सो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको. 3 की टेबल में 3 कहां पर आता है? 1 टाइम. सो यू विल राइट 1 हियर, फिर कॉमा. उसके बाद 3 की टेबल में 6 कहां पर आता है? 2 टाइम्स पर. सो हमने यहां लिख दिया 2, ठीक है? अब यहां पर 1 आ गया. जिस नंबर का 1 आ जाता है मींस उसको आगे फर्दर डिवाइड हम नहीं करते, बट यहां पर 1 नहीं है तो मींस हम इसको आगे डिवाइड करेंगे. अब 2 कौन सी टेबल में आता है? प्राइम नंबर है तो इट मींस 2 ही की टेबल में आएगा. सो हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे. ये जो 1 है ये आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है? 2 की टेबल में 2 कहां पर आया? 1 टाइम पर, ठीक है? अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2. एलसीएम के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो ये आपका आ गया 6. जो हमारा एलसीएम आ जाता है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं, मींस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होता है. पहला स्टेप हमने कर दिया एलसीएम का, नेक्स्ट क्या करना है आपको? फ्रैक्शन लिखनी है 2/3, ठीक है? थोड़ा सा गैप छोड़कर आगे जो आपने एलसीएम ले रखा है वो राइट डाउन कर दीजिए. अब हमें क्या करना है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 बनेगा. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2. सो जो नंबर हमने डिनोमिनेटर में लिखा है वही नंबर हम न्यूमरेटर में राइट डाउन करेंगे, 2 2s are 4, ठीक है? इसी तरीके से आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन लेनी है 5/6, गैप छोड़कर आपको सामने एलसीएम राइट डाउन कर देंगे, ठीक है? 6 के टेबल में 6 कहां पर आएगा? 1 टाइम पर, मल्टीप्लाई बाय 1. सो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1s are 5. अब देखिए यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, अब हम प्लस कर सकते हैं. तो आप कैसे लिख सकते हैं, 6 लिखा 4 and 5, सो 4 plus 5 क्या आंसर आ गया आपके पास? 9/6. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप ऐड. अब हम इसको रिड्यूस, तो रिड्यूस तो आपको अच्छे से आता होगा अभी तक. 9/6 दोनों कौन सी टेबल में आते हैं? 3. सो हम 3 से डिवाइड कर देंगे इसको. 3 की टेबल में 9 कहां पर आए? 3 टाइम्स. और 6 कहां पर आए? 2 टाइम्स. दिस इज द रिड्यूस टर्म, ठीक है? इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक और क्वेश्चन समझा रही हूं, इसका एक और पार्ट, दैट इज डी, 1/3 plus 4/9. सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, एलसीएम 3 and 9 का हम लेंगे, ठीक है? सो 3 and 9 मैंने राइट डाउन कर दिया. दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 1s are 3 की टेबल में 9 कहां पर आता है? 3 टाइम्स पर. अगेन यहां पर 1 आ गया, बट 3 को हम डिवाइड करेंगे 3 से. So, ये 1 as it is लिखा, 3 के टेबल में 3 कहां पर आया? 1. अब ये दोनों 3 क्या हो जाएंगे आपके? मल्टीप्लाई, 3 multiplied by 3 equals to 9. सो एलसीएम क्या आ गया? 9. नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट फ्रैक्शन लिखी, सामने एलसीएम लिख दिया. सो 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो आपका क्या बन जाएगा? 9. सो 3 हम न्यूमरेटर में भी लिखेंगे, ओके? नेक्स्ट फ्रैक्शन 4/9, गैप छोड़ा सामने 9 लिखा. So, 9 के टेबल में 9 कहां पर आएगा? 1 टाइम. सो मल्टीप्लाई बाय 1, सो 4 1s are 4. अब डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, 9 3 प्लस
3 + 4 क्या हो गया 7/9। अब ये ऐसी टर्म है जो रिड्यूस नहीं हो सकती बेटे, क्योंकि 7 आपका प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है। सो प्राइम नंबर तो अपनी टेबल से डिवाइड हो सकता है, सो ये ऑलरेडी आपके पास क्या दे रखा है, रिड्यूस टर्म, इसको फर्दर आपको रिड्यूस नहीं करना है, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन 1 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन सिर्फ कहां से चेंज हुआ है, एड की जगह क्या लिखा गया, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। सो हमें जो स्टेप हमने क्वेश्चन 1 में फॉलो किए थे एडिशन के लिए, वही स्टेप हमें क्वेश्चन 2 में फॉलो करने हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। बस चेंज कहां पर होगा, जहां पर हमने प्लस किया था वहां पर हम माइनस कर देंगे। अभी हमने देखा फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट आ रहे हैं, सो हम सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। सो यू विल राइट एलसीएम ऑफ 12 and 6। So 12 और 6 का आप एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों, 2 6 are 12 and 2 3 are 6। नेक्स्ट 3 से कर सकते हैं हम, 3 2 are 6 3 1 are 3। नेक्स्ट 2 तो 2 की टेबल में ही आएगा, 2 1 are 2 और ये 1 एज इट इज। आप ये 2 पहले भी लिख सकते थे, ठीक है, वो गलत नहीं है अगर आप इसको 2 से पहले डिवाइड कर दोगे या 3 से बाद में, वो भी ठीक है, दोनों में आपका एलसीएम सेम ही आएगा। सो हम लिखेंगे 2 × 3 × 2। सो 2 × 3 = 6 6 × 2 = 12। एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 12। पहला स्टेप खत्म। नेक्स्ट स्टेप क्या था, फ्रैक्शन लिखनी है, सामने एलसीएम राइट डाउन कर देना है, 12 के टेबल में 12 वन टाइम, सो मल्टीप्लाई बाय 1। सो 2 1 = 2। नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/6, सामने हमने एलसीएम लिख दिया, सो 6 की टेबल में 12 कहां पर आएगा, 2 टाइम्स पर, सो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 = 2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन लिखा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। सो यू विल राइट 12 और ऊपर आपका क्या है, 2 - 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0/12। सो जब आपके पास 0 आ गया तो आप डायरेक्टली इसको अकेला 0 भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर मेंशन करने की नीड नहीं है, ठीक है, और इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं डी पार्ट, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा सॉल्यूशन। पहला स्टेप क्या बताया था, एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 8 and 4। एलसीएम ध्यान से लेना है बेटे, अगर आपका एलसीएम गलत आएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों कौन से टेबल में आते हैं, स्मॉलेस्ट टेबल ढूंढनी है, 2 की टेबल में 2 4 are 8 and 2 2 are 4। नेक्स्ट अगेन 4 और 2 कौन से टेबल में आते हैं, 2 की 2 2 are 4 और 2 1 are 2। सो ये हमारा फिनिश हो गया, 1 आ गया, अब हमें सिर्फ इसको डिवाइड करना है, सो 2 2 की टेबल में डिवाइड होगा, 2 1 are 2 और नेक्स्ट 1 एज इट इज। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2, सो 2 2 are 4 4 2 are 8, सो 8 इज द एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप 6/8, गैप छोड़ा, सामने एलसीएम राइट डाउन कर दिया, ठीक है। 8 की टेबल में 8 कहां पर आएगा, 1 टाइम पर, सो मल्टीप्लाई बाय 1। सेम हम मल्टीप्लाई बाय 1 न्यूमरेटर में भी करेंगे, 6 1 are 6। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फ्रैक्शन ली, गैप छोड़कर सामने एलसीएम राइट डाउन कर दिया, अब 4 की टेबल में 8 कहां पर बनेगा, 2 टाइम्स पर, सो 4 × 2 and 1 × 2, ठीक है। सो 1 2 are 2। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम आ गए तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गई, अब हम इसको सिंपल कर सकते हैं, 8 और 6 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 6 - 2। सो 6 - 2 क्या हो गया आपके पास आंसर, 4/8। सो हमने पहला स्टेप कर दिया सब्ट्रैक्ट का, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे रिड्यूस। सो 4 और 8 कौन से कॉमन टेबल में आते हैं, 4 में, सो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो 4 की टेबल में 4 कहां पर आया, 1 टाइम, और 4 की टेबल में 8 कहां पर आया, 2 टाइम, सो 1/2 इज द
लोएस्ट टर्म, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन टू के जो रेस्ट ऑफ द टू पार्ट आपके बचे हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन।